दुनिया के करोड़ों लोगों के नाश्ते की शुरुआत ब्रेड से होती है, लेकिन रोज ब्रेड खाने से आपको कैंसर भी हो सकता है। ये कड़वा सच है जिसका खुलासा CSE की स्टडी में हुआ है। स्टडी के मुताबिक देश में बिकने वाले ब्रेड, बंस और रेडी टू ईट बर्गर पिज्जा के 38 पॉपुलर ब्रांड्स के सैंपल लिए गए। जांच करने पर 84% सैंपल खराब पाए गए हैं। ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड्स के ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट पाए गए। ये वो रसायन है जिनसे कैंसर हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां वो अलाउ नहीं होता। ब्रोमेट इसलिए नहीं अलाउ किया जाता क्योंकि उसका रेजिड्यू मिलता है और वो कैंसर कॉजिंग है। आयोडेट इसलिए नहीं अलाउ किया जाता क्योंकि आयोडेट से ज्यादा आयोडीन शरीर में जाने की संभावना है और उतने आयोडीन को लेके वो एक्सेस आयोडीन के थायराइड पे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए हमें अब इंडिया में उस लॉ को ठीक करना है, हमें उसको अलाउ ही नहीं करना है। साल 1999 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट को कैंसर पैदा करने वाला बताया था। जांच में पता चला था कि पोटेशियम ब्रोमेट से किडनी, थायराइड और पेट में कैंसर हो सकता है। पोटेशियम ब्रोमेट आटे जैसा होता है जिसका न स्वाद होता है न कोई रंग। ये रसायन इतने खतरनाक है कि दुनिया के कई देशों में इन रसायनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यूरोपीय संघ ने 1990 में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, नाइजीरिया, पेरू और कोलंबिया में भी पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन भारत में ऐसी कोई रोक नहीं है, इसीलिए ब्रेड बनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। अब सवाल ये है कि ब्रेड बनाने वाली कंपनियां खतरनाक रसायन पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इतना इस्तेमाल करती ही क्यों? दरअसल इन हानिकारक रसायनों को आटे में मिलाने से ब्रेड सफेद और मुलायम होता है और बेहतर ढंग से फूलता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां ब्रेड के पैकेट पर ये लिखती तक नहीं है कि वो ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इस्तेमाल करती हैं।